एक नोट मैंने इसमें लिखा हुआ है, इसके अंदर जैसे एक एल आर है और एक सी आर है, इंपॉर्टेंट है, एक एल है और एक सी है, ये रहा, मैंने स्विच ऑन किया, करंट एल में भी जाएगा, करंट सी में भी जाएगा, क्वेश्चन है एल में कितना जाएगा और सी में कितना जाएगा, और टाइम के साथ इंक्रीज होगा। तो एल में कितना जाएगा हमने कर लिया, टाइम के साथ एल में कितना जाएगा हमने कर लिया, सी में कितना जाएगा हमने नहीं किया, क्योंकि आज का जो लेक्चर था वो एल में था, वो सी में नहीं था। सी में तो चार्ज जाएगा, करंट थोड़ा जाएगा, करंट तो बाद में जाएगा, पहले सी का चार्ज निकाल लो। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का याद है फॉर्मूला किया था हमने, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का फॉर्मूला लिखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करके आपके पास ये स्टेप्स किए हुए हैं, ये करंट आएगा। प्लीज़ इसे फॉर्मूला मार्क करो, जब भी एक डीसी बैटरी लगी होगी, इंडक्टर भी और कैपेसिटर लगा होगा, तो इंडक्टर का करंट ये लगाना है आपने और कैपेसिटर का ये लगाना है। प्रूफ जरूरत नहीं है, प्रूफ सिर्फ आपको बताने के लिए कि कैसे कैपेसिटर का करंट यूज़ करना है इसमें। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बुक्स बहुत यूज़ करेंगी और बहुत लोग डाउट्स की फॉर्म में लेके आते हैं कि सर ये पता नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन शीट 47 का, एक सर्किट है जिसमें एल आर सी आर गिवन है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, इसके अंदर आर किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ एल बाई सी। कह रहे स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, तो करंट क्या इंडक्टर कैपेसिटर में क्या कह रहे, करंट थ्रू सी एंड एल विल बी इक्वल, कह रहे दोनों में करंट बराबर कब होगा टाइम बताओ, नॉट फॉर मेडिकल लिख लो। तो करंट इंडक्टर में ये होगा, करंट कैपेसिटर में ये होगा, बता दिया, दोनों को इक्वेट कर दो, बता दिया, दोनों को इक्वेट करके क्या निकालना है, टाइम निकालना है। आपको क्वेश्चन में आर क्या गिवन है, अंडर रूट ऑफ एल बाई सी, तो आर स्क्वायर क्या होगा, एल बाई सी, आर इंटू आर क्या होगा, एल बाई सी, और यहां से आर बाय एल क्या होगा, वन बाय आर सी। तो ये आर बाय एल की जगह क्या पुट करेंगे, वन बाय आर सी, ये रहा। बस इसके बाद फिजिक्स खत्म है, इसके बाद मैथ्स स्टार्ट है, एक्सपोनेंशियल, फिर लॉग लेके टाइम की वैल्यू निकालनी है, मैथ्स है, टोटल मैथ्स है। पहला स्टेप क्लियर है, मेरा काम था करंट बताना इंडक्टर में और कैपेसिटर में। समझ में आ रहा है, नॉट फॉर मेडिकल। नेक्स्ट फॉर मेडिकल आता है क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ E1 साइन ओमेगा टी E2 कॉस ओमेगा टी, तो क्या निकालना है इसमें, आरएमएस। मैंने क्या सिखाया था, अगर आपको ऐसी वोल्टेज गिवन है तो ई नॉट मैक्सिमम वोल्टेज कैसे निकलेगी, E1 का स्क्वायर और E2 स्क्वायर का अंडर रूट, तो आरएमएस क्या निकलेगा, इसको डिवाइड करेंगे √2। आज हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था, ठीक है, यहाँ तक बार बार करने से प्रैक्टिस से चीज़ें क्लियर दिखती हैं। नेक्स्ट है, अगर डायरेक्ट करंट है ए डी सी इज सुपर इम्पोज्ड ऑन ए सी, एक डी सी करंट है एक ए सी करंट है, दोनों को मिला दिया तो नया करंट क्या बना, डी सी और ए सी, क्या निकालना है, अफेक्टिव वैल्यू, अफेक्टिव आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू के लिए ये आरएमएस का फॉर्मूला हमने किया, याद है, आरएमएस आई की पूरी वैल्यू यहां पे पुट किया होल स्क्वायर, इसे ओपन किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसकी इंटीग्रेशन टी, इसकी टी बाई 2 और इसकी 0, तो ये टी बाई 2 पुट किया, टी कैंसल, आंसर। मेडिकल के लिए भी मुश्किल है, पॉइंट समझ में आ रहा है, पर नॉन मेडिकल में तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इंटीग्रेशन बेस्ड है, ठीक है। तो मेडिकल में रिलैक्स रहें, कोई बात नहीं, मैं मार्क कराता रहूँगा, फिर आप अपनी बुक सॉल्व करना, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल हैं, ठीक है, अगर आपको मुश्किल लगता है तो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, कैसे, रिपीटिंग पैटर्न है, याद है, क्या निकालना है इसमें, मीन वैल्यू ऑफ करंट बताना है। तो मैंने क्या बताया था, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम इज एवरेज वैल्यू, तो आई और टी का ग्राफ का टोटल एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल को टोटल टाइम टी से डिवाइड, तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मीन करंट। तो मीन करंट निकालना हमने सीखा था। ये क्वेश्चन ईएमआई का क्वेश्चन डल गया बीच में, ईएमआई का क्वेश्चन में, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वायर सेमी सर्कल है ऑफ रेडियस आर, तो ये एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, आर, और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है,
विद ओमेगा. इफ टोटल रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर, मीन पावर जनरेटेड क्या होगी? रूल नंबर वन, मीन पावर निकालनी है. अब जब ये रोटेट करेगी तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा. आपको ये क्वेश्चन जब सेमी सर्कल घूम रहा है, आपको फील आ रहा है कि जनरेटर का क्वेश्चन है. जनरेटर में पूरा कॉयल घूमता था और आंसर आता था E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. क्यों आता था? क्योंकि पहले फ्लक्स आता था बी ए कॉस ओमेगा टी, और एरिया यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की जगह पाई आर स्क्वायर बाय टू. ई एम एफ कितनी जनरेट होगी? माइनस डी फाई बाय डी टी. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये ई एम एफ आएगी. कॉस की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी विल गिव ओमेगा. तो ई एम एफ आ गई. ई एम एफ से पावर आएगी, पावर ई स्क्वायर बाय आर, ये पूरे का स्क्वायर बाय आर. तो ये पावर आ गई. उसने बोला एवरेज पावर निकाल लो. एवरेज करंट क्या होता था? आई डी टी की इंटीग्रेशन बाई टी. एवरेज ई एम एफ क्या होती थी? ई डी टी की इंटीग्रेशन बाई टी. एवरेज पावर क्या होगा? पी डी टी की इंटीग्रेशन बाई टी. इस पूरे पी को उठा के यहाँ पुट करें, कॉन्स्टेंट बाहर, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी बाई टू, तो आंसर आ गया. तो इसमें मेडिकल के लोग क्या करें, जनरेटर का फॉर्मूला याद करें, बी ओमेगा एरिया साइन ओमेगा टी. लिख लिया, ई एम एफ तक तो आ जाएगा, पावर ई स्क्वायर बाई आर यहाँ तक तो आ जाएगा. इंटीग्रेशन करने की जगह मैंने मन में सोचे साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी बाई टू, और टाइम से डिवाइड कर दें, हाफ आ गया आंसर. अच्छा, और शॉर्टकट, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू होती है हाफ, तो लो हाफ पुट कर दो, एवरेज डन, खत्म हो गया आंसर सॉल्व. इंटीग्रेशन क्या करनी, हाफ हो गया. हो गया मेडिकल वालों के लिए भी ठीक, ठीक है यहाँ तक. इस क्वेश्चन में एल सी आर किस में गिवन है? सीरीज में. और यहाँ पर क्या लगा रखे हैं? वोल्ट मीटर. इसमें वोल्ट और इसमें वोल्ट बराबर हैं. इसकी रेजिस्टेंस गिवन है. कह रहा है एम मीटर क्या रीड करेगा और वी वन क्या रीड करेगा. इंडक्टर एंड कैपेसिटर की वोल्टेज बराबर है तो रेजोनेंस है. रेजोनेंस है. जब रेजोनेंस है तो उसमें जो वी टू और वी वन की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है. तो अगर वी टू वी वन सेम है तो पूरी की पूरी वोल्टेज कौन ले जाएगा? रेजिस्टर. तो रेजिस्टर में वी वन की वैल्यू क्या आएगी? 220 वोल्ट. वो तो कैंसिल ही कर गए वोल्टेज, बचा क्या? ये बच गया. पहला स्टेप क्लियर है. फिर से रेजोनेंस है. रेजोनेंस में करंट क्या होता है? वी बाय जेड नहीं होता, वी बाय आर होता है. अरे करंट निकाल लें. वी कितना है? 220. रेजिस्टेंस कितनी है? 100, 2.2 एम्पियर. पहला आंसर ठीक है. अब इम्पीडेंस, इसमें और क्या निकालना है अपने को? वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है. नेट वोल्टेज क्या होती है? अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर, यानी कि वी वन स्क्वायर प्लस वी टू माइनस वी थ्री का होल स्क्वायर. तो कट गए, तो नेट वोल्टेज किसके इक्वल रह गई? तो 220. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें?